Hey guys, कैसे आप लोग? Hopefully सब लोग अच्छे हैं। तो आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? मालशेष घाट में। किधर? कालू वाटरफॉल्स। कालू? Your name check bro। देखा? Like you bro। रेसिस्ट लोग बैठे गाड़ी में। देख लेंगे शक्ल एक बार। What if we get famous? Racist one, racist two, and पीछे में racist three. Don't forget, I am also racist. मैं भी काले लोगों को काले ही बोला था। खुद काला हो गया। तो देखते हैं, अभी सीनरी दिखाता हूँ आपको मैं, जितना मैं देख पाऊँगा, क्योंकि बारिश होगी तो मैं कैमरा बाहर निकाल नहीं पाऊँगा। दैट्स द सीन। तो नया एक फ़ोन लिया हमने, उससे शूट कर लेंगे। और सेफ्टी के लिए पीछे बैठो। एकदम फुल सोने का प्लान है। 3 घंटे का राइड है। आई एम राइट? यप। 3 आवर्स राइट। तो एंजॉय। अभी व्लॉग का स्टार्ट करते, आपको बोल रहा था मुझे इस राइड के बाद जिम पे जाके बेंच प्रेस भी करना है। 170 केजी का बेंच करना है आज। तो देखते, अभी जान बची तो 170 कर लेंगे, नहीं तो 160। ऑब्वियसली काम है, आपको क्या? आपको ये गाड़ी है ना, ऑटोमेटिक गाड़ी है, क्लच होता मतलब अब ट्रैफिक है उधर क्या? तेरे को वही तो बोला, पूरी दुनिया उड़ गई है ऐसे लगा। ओ, हम लोग यहाँ पूरा खाली है। नहीं, मैं पूरा खाली है, पूरा बंद। ऊपर ही तो अटका मैं। क्या मारा सुबह? अबे ये सब दिख रहे हैं क्या? पहले मैं जब यहाँ पे 2009 प्रोटीन शेक मैं अकेले ही रहता था रास्ते पे। अभी देख कितना पब्लिक दिख रहा है। 2017 में भी इतना सुबह नहीं दिखता। मैं वो नहीं बोल रहा, 15 की बात कर रहा हूँ मैं, सीबीडी बेलापुर। और पूरा खाली, मतलब पूरा खाली, सुनसान, एक कुत्ता नहीं यहाँ पे। Never break, always fight. Never quit, do it right. Play the game, win it life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, live the grind. I could change, in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way, to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? तो अभी कितना दूर है? हम लोग 40 किलोमीटर दूर है। हम लोग को जाना है उधर। अरे गाइस, एबल टू सी? वो दिख रहा है? वो नहीं, जी में दिख रहा। हम लोग को वापस जाना है ओवर देयर ऑन द पहाड़ीज। कितना फॉग है, देखा क्या? दिख भी नहीं रहा अभी वो। तो जब उधर घुसेंगे तो अलग ही मज़ा आएगा। अलग बात है कुछ, अभी बस पोहा खाया है। अपडेट ऑफ माई फूड, पोहा खाया और थोड़ा चिप्स लिया फॉर द स्नैक्स। और अपने ड्राइवर उधर आगे है। लुक एट हिम, लुक एट हिम, लुक एट हिम वॉक अराउंड, लुक एट हिज बाइसेप्स। अरे होने चाहिए ना। टाइम पास करें बैठ के। तो जैसे ही पहुंचेंगे आई विल गिव यू एन अपडेट कि क्या सीन है, कैसा सीन है। एंड तो काला आ रहा हूँ मैं। हाँ, नाउ इट्स बेटर, लाइटिंग आ गई प्रॉपर। हाँ या मैन, व्हाट्सअप व्हाट्सअप। चीनू भी आ गया, चीनू भी आ गया। अरे कुत्ते, कुत्ते खेलता हूँ। मैं तो तारों से बचाने के लिए वीडियो नहीं। तारों मतलब वो केबल लाइन है ना, उनके पार गंदे दिखते।
like they wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories. तो अभी हम लोग को just थोड़ा सा view मिला है, तो इसलिए रुके हैं. You can see the view. तो अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं. कैन डू ट्रैकिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ, बट बहुत लंबा रहेगा, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल द व्यू. एंड अभी टाइम हो रहा है 11:23, एंड मेरे स्टेप्स हो गए 3778, एंड दैट्स स्पीकिंग. मतलब अभी कुछ वॉक भी नहीं किया, अभी जैसे ही आएंगे तो वॉक करने चालू करेंगे. एंड इनका फ़ोटो शूट होने देता है, मैंने बस एक दो फ़ोटो खींचा है, इतना नहीं चाहिए मेरे को. तो अभी मोस्टली मैं एक ऐसा खींचाऊंगा वाइड एंगल लेंस में, वो देखते हैं उनको आने दो फिर निकालते हैं. चल देन, पीस आउट. Death to be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. गाइज, कैसे आप लोग, होपफुली सब लोग अच्छे हैं. तो कल का वीडियो मैं एंड करना ही भूल गया, जो हम लोग माचिस गार्ड गए थे उसका एंडिंग भूल गया, बिकॉज आई वॉज टोटली ड्रेंड. अराउंड 16,000 स्टेप्स कुछ हुए मेरे टोटल उस दिन पे, शायद से रात के भी कुछ 2,000-3,000 स्टेप्स थे रात के. तो वो काउंट नहीं करने पे अगर इट्स अराउंड 12,000 स्टेप्स हो गए मेरे कल, एंड इट वॉज वेरी टायरिंग, वेरी वेरी टायरिंग. एंड मैंने कल बेंच नहीं कर पाया तो आज कर लिया. टुडे इज संडे, तो आज मैंने बेंच किया 160. तो दैट द थिंग, बिकॉज कल घर में मैं खुद 10:30-11 o'clock कुछ करके पहुँचा मैं, एंड आई वॉज सुपर टायर्ड फॉर आफ्टर दैट ट्रिप. मैं तो मतलब गाड़ी में सो ही गया था. मेरे साथ ट्रिप में विजय सर एंड जयेश था. जयेश हम लोग सब लोग, मतलब विजय सर जो मेरा पुराना जिम था फिट नेशन, उसके ओनर है. एंड जयेश पहले वहाँ पे काम करता था, सो हम लोग एक अच्छा मतलब फ्रेंड ग्रुप बन गया था, बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था. सो ये बस 3 लोग ही बाकी है ग्रुप में, बाकी लोग पता नहीं किधर अभी. तो बहुत मज़ा आया कल ट्रिप में. लिटरली आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ट्रैकिंग पे गया हूँ, वरना बहुत पहले मेरे घर के पास ही माउंटेन है, वी यूज टू गो देयर फॉर लाइक अ ट्रिप और हाइक. मेरे दोस्त थे यूजर एंड एमर एंड सर्वेश करके भी दोस्त था, तो उसके साथ हम लोग वी यूज टू डू ट्रैकिंग ऑन द खारगर हिल्स. एंड अपना सीवीडी वाला हिल भी है घर के बाजू मेरे, तो वी यूज टू गो देयर. अपना पीछे मेरे घर के पीछे भी एक डैम है, तो मैंने बहुत मतलब बचपन में बहुत कुछ किया है, वो सब एक्सपीरियंस. तो बहुत टाइम क्या किया मैंने अभी ये, सो आई वॉज फीलिंग रियली गुड. रात को आके ऐसे नींद आई, मैं तो लेट गया, सो गया, सारा काम किया, एंड मैं फटाफट लिटरली मैं इतना फर्स्ट टाइम इतना सोया. अच्छा, इट्स लाइक 9 hours 40 minutes कुछ हुआ है. लेट मी चेक इफ आई एम राइट और नॉट. 9 hours 47 minutes सो चुका है मैं, तो दैट्स प्रिटी गुड फॉर मी. मतलब मज़ा आ गया सो के यार कल के. तो ये मैं रोज़ नहीं करने वाला, मतलब आई विल ट्राई. अभी मैं देवा से ये बात हुई थी, तो देवा बोला कि उसके यहाँ पे भी आना है फॉर अ ट्रैक, तो
मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर दिस स्टेट्स एंड ऑल गेट्स ओवर, सो देवा के यहाँ पर जाएंगे एंड वहाँ पे भी एक ट्रैक करेंगे छोटा सा. तो लेट्स सी, अब मज़ा आता है बिकॉज ऊपर जाके जो व्यू का मज़ा आता है एंड द रिफ्रेशिंग फीलिंग, इट्स वेरी अमेजिंग. बट सबसे बैड थिंग पता क्या होती है, गोइंग बैक इज़ वेरी डिफिकल्ट. गोइंग टू द प्लेस इज़ वेरी ईजी, बट जैसे ही चल के वापस आता है इट्स डिफिकल्ट. एंड उधर मुझे बहुत सारे क्रैम्स आ गए थे, मतलब लिटरली क्रैम्स आ गए थे. आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, सो जयेश को मैंने पकड़ लिया था. मैं उसे कुछ व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज उस टाइम बहुत जोर से बारिश आ रही थी, मतलब ख़तरनाक बारिश आ रही थी. तो जयेश को मैंने ग्रैब कर लिया एंड एक टाइप ऑफ माइंड सेट भी रख दिया, अभी क्रैम्प आए तो क्या करेंगे. तो मैंने ट्राई किया कि नॉट टू थिंक अबाउट क्रैम्प्स एंड जस्ट थिंक ऑफ वॉकिंग. बस पानी का बॉटल भी मैंने कैरी किया था, उसमें मैंने पानी ख़त्म कर दिया, पूरे 2 के 2 लीटर ख़त्म कर दिए थे. तो वो भी एक है, माइंड सेट बहुत इफेक्ट करता है. मैं चलता गया जैसे ही गाड़ी में पहुँचा आई हैड अ चिप्स एंड गाड़ी में पानी था, वो फटाफट पानी पी लिया मैंने. फिर रेस्टोरेंट पे रुके, खाना खाया, थाली खाया, स्पेशल चिकन थाली, आई लाइक दैट. तो भाकरी खाया था. मैं वो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सॉरी गाइज. अगर विजय सर के पास फ़ोटो रहेंगे तो उनसे लेके मैं डाल दूँगा फ़ोटोज़. आई वॉज़ वेरी टायर्ड, मेरा हमेशा यही होता है, जैसे ही मैं डरो तो मैं थक जाता हूँ एंड दैट्स द मेन इशू विथ मी कि आई डोंट रिकॉर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन टू, मतलब जो एक्साइटिंग चीज़ें जो रिकॉर्ड नहीं कर पाता मैं. कैसे रिकॉर्ड करूँ यार, मैं थका हूँ, बारिश हो रही है और मैं कैमरा भी लाया नहीं ट्रैकिंग के लिए. मैंने कैमरा गाड़ी रख दिया था बिकॉज दैट वॉज मच सेफर एंड दिस इज़ नॉट वेदर प्रूफ, सो मैं उसको लेके नहीं गया था. हाँ, आई कुड टेक दिस विथ इफ़ आई हैव अ वाटर प्रूफ बैग एंड जैसी बारिश बंद हुई आई कैन टेक द कैमरा विथ मी, बट आई डोंट वॉन्ट टेस्ट द रिस्क. मतलब नया कैमरा है, अभी भी नहीं करता मैं. जैसे ही पुराना थोड़ा हो जाएगा आई डू दैट. तो वो सब किया, खाना खाया, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे आने के लिए अराउंड 3.5 आवर और 4 आवर्स मैं गाड़ी में सो गया था. गूगल माता हम लोग कहाँ कहाँ से लेके आई मुझे ही पता, मुझे मतलब विजय सर को पता, विजय सर जयेश जगे थे. तो हम लोग, मैं तो सो गया था, वो लोग डर गए थे बिकॉज बहुत अंधेरे गली गली से निकल रास्ता, बट इट वॉज गुड रास्ता बिकॉज सारा ट्रैफिक जो लगा था वो उसे हम लोग बाईपास हो गए एंड पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन. एंड उसके बाद हमने वाशी में थोड़ा सा मैड्डी खाया. सो मैंने क्या मंगाया था, बिग स्पाइसी रैप, फ्रेंच फ्राइज एंड अ स्प्राइट. फनी थिंग, वहाँ पे जो स्प्राइट मंगाया मैंने इट वॉज रिफिलेबल. आई डेंट नो दैट कि यू कैन रीफिल योर स्प्राइट इन मैकडोनल्ड्स. तो दैट्स अ थिंग आई लर्न यस्टरडे कि यू कैन रीफिल योर स्प्राइट. तो मैंने ट्राई करने के लिए बोला कि विजय सर जाके एक बार आओ, बोले नहीं. फिर वो उसने चिन्नू को भेजा, जयेश को भेजा, लोग जयेश को चिन्नू बुलाते हैं. तो जयेश को भेजा स्प्राइट रिफिल करने के लिए, स्प्राइट रिफिल हो गया. तो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा कुछ देखा मैंने इंडिया में बिकॉज दैट्स मोस्टली इन यूएस में मैं देखा है पॉपकॉर्न रिफिल होता है, कॉफ़ी रिफिल होती है एंड कोल्ड ड्रिंक सारे रिफिल होते हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि स्प्राइट रिफिल हो रहा है इंडिया में एंड इट वॉज प्रिटी. ये वाशी का मैकडॉनल्ड्स है, सेक्टर 17 वाला. अगर आपको इंटरेस्ट है खाने में वहाँ पर जाओ. एंड उन्होंने चिकन और भाकरी खाया था मालशेज घाट में, वो भी एकदम सुपर था, पर मुझे जगह का नाम याद नहीं है. कुछ तो पुणे करके था, पुणे. अगर आप जाते हो मालशेज घाट तो डू विजिट इट. एंड मालशेज घाट का जो रिवर्स वाटरफॉल है कालू फॉल्स, इट्स वेरी अमेजिंग. मतलब मज़ा आ गया, जो वाटरफॉल रिवर्स में जा रहा था, मतलब लिटरली ऐसा कर्व खड़ा था. उसके पास वीडियो है अपना फ़ोन, विजय सर ने वीडियो निकाले हैं, वो सारे शेयर करूँगा मैं. इट वॉज मेजेस्टिक, मुझे लगा क्या हो रही है. तो सिंपल साइंस टर्म में इतने ज़ोर से हवा आती है, जो पानी नीचे गिर रहा होता है वो वापस ऊपर जाता है, इट कर्व्स अराउंड. सो दैट्स द थिंग साइंटिफिकली स्पीकिंग. बट वो देखने में बहुत मेजेस्टिक लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मेजेस्टिक. आई वाज लाइक, मैं तो आगे ऊपर ही खड़ा हो गया, मैं नीचे भी नहीं गया. मुझे थोड़ा सा फटी है मेरी, आई लाइक टू बी सेफ, मतलब वेरी वेरी सेफ. तो आई प्ले वेरी सेफ, मतलब उधर एकदम एज पे गया भी नहीं, मैं बीच में ही खड़ा था एंड आई वाज जस्ट लुकिंग. जो पानी वाटरफॉल का वापस घूम के आ रहा था मुँह पे लग रहा था, दैट वॉज वेरी अम्यूजिंग. एंड उसके बाद हम लोग छोटे वाले वाटरफॉल पे आए, वहाँ पे मस्ती किया मिले, वहाँ पे वाटरफॉल के फ्लो के नीचे बैठ गए थे हम लोग, विच वॉज़ वेरी रिलैक्सिंग. मज़ा आ गया, मतलब पूरा पानी गिर रहा था एंड पूरा मसाज हो गया एंड जो भी कीचड़ था वॉकिंग से वो सब कुछ निकल गया. एंड उसके बाद हम लोग चेंज करके गाड़ी में बैठ गए एंड फिर रिलैक्स किया मैंने.
बिकॉज ड्राइविंग तो मैंने बिल्कुल किया नहीं है, इट्स लाइक वेरी चिल. तो दैट वॉज द मालचेस घाट पार्ट. आज वर्कआउट क्या किया मैंने, 160 बेंच प्रेस किया फॉर 3 रेपिटेशंस, बिकॉज 170 आज फील नहीं रहा था. आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड, मतलब बहुत ड्रेन लग रहा है मुझे. तो दैट्स वाई आज बस 160 किया. तो 160 एंड दैट्स लिक्विड शॉक ओवर देयर. लिक्विड शॉक शायद से स्टॉक आउट हो गया है, जल्दी आ जाएगा स्टॉक में. एंड मैंने एक वीडियो बनाया है अबाउट हाउ टू यूज़ रिस्ट स्ट्रैप्स, ये वाले 1 मीटर वाले, बिकॉज बहुत लोग आते नहीं है. एंड अगर आप पावर लिफ्टर नहीं हो, अगर आप यू हैव सेंसिटिव रिस्ट, तो डोंट यूज़ इट. मैं रिकमेंड नहीं करता, जो लोग पावर लिफ्टिंग करते हैं नॉर्मल जिम गोर्स, मैं उनको रिस्ट स्ट्रैप रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज ये बहुत रफ है हाथ पे. अगर आपके हाथ नाजुक है तो डोंट यूज़ दिस स्टफ, तो आपके हाथों पे छाले पड़ सकते हैं. दैट्स वन थिंग. तो दीज आर स्पेसिफिकली मेड फॉर पावर लिफ्टर्स और हु लिफ्ट हैवी बेंच प्रेसेस और डू हैवी स्क्वाट्स, तो ये उनके लिए ही है. तो मैं वही बोलता हूँ अगर आप पावर लिफ्टर में, बिकॉज रिसेंटली मुझे एक कस्टमर ऐसे मिला जो जिसको पसंद नहीं आया, बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, बिकॉज ही इज़ नॉट अ पावर लिफ्टर. तो मैंने उनको बोल दिया प्लीज़ रिटर्न द प्रोडक्ट पैक, जो आपको वेबसाइट चाहिए यू कैन बाई एनीथिंग फ्रॉम द वेबसाइट. तो वो एक सीन हुआ था. दैट्स वाई आई एम मेकिंग, मतलब एक वीडियो में डाल रहा हूँ कि भाई अगर आप पावर लिफ्टर नहीं हो तो डोंट बाय द रिस्ट स्ट्रैप्स, बिकॉज इट्स स्पेसिफिकली मेंशन इट्स अ पावर लिफ्टिंग रिस्ट स्ट्रैप्स. एंड जिनको पता नहीं है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, तो मैंने ये रिस्ट स्ट्रैप पहन के नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था. तो आई फील दैट्स प्रिटी गुड अगर आप पावर लिफ्टिंग करते हो नेशनल रिकॉर्ड के लिए. मुझे पसंद आया उसके, उस दिन ही शायद से मैंने रिलीज़ किया था, उसी टाइम फ्रेम के आसपास मैंने रिलीज़ किया था पावर लिफ्टिंग स्ट्रैप्स. तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फ्रॉम माय साइड कि भाई मैंने उस पहन के रिकॉर्ड तोड़ा है. एंड एक टाइप ऑफ ये भी प्रूफ करता है कि यू कैन ब्रेक रिकॉर्ड, बिकॉज जब तक कोई आपका प्रोडक्ट कुछ चीज़ प्रूव नहीं करता, यू कांट लाइक आस्क योर लाइक आप रिकमेंड नहीं कर सकते कोई प्रोडक्ट अगर आपने खुद यूज़ नहीं किया. तो ये मैंने खुद बनाया है, मतलब दिस बीन अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस, मतलब मैं बहुत साल से इसके पीछे पड़ा हूँ, तब जाके रियलिटी में आया. एंड अगर आप पावर लिफ्टर नहीं हो तो सॉरी फॉर दैट, कोई इशू नहीं है. अगर आपको ट्राई करना है पावर लिफ्टिंग, जस्ट ट्राई लिफ्टिंग स्क्वाट बेंच एंड डेड लिफ्ट, आपके जो वर्कआउट में है इम्प्लीमेंट करना ट्राई करो. एंड जैसे आप हैवी वेट पे पहुँचते हो, ट्राई द पावर लिफ्टिंग स्ट्रैप्स, दैट्स फॉर श्योर. एंड डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स नए आ चुके हैं, तो गो बाय दैट. टिल देन आई गेस दैट्स इट. बहुत बकबक कर लिया, 10 मिनट के ऊपर बकबक कर लिया मैंने. वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, वीडियो पसंद नहीं आया डिसलाइक करो. द स्ट्रांग रहो, पीस आउट, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है.